2 जून किसी न किसी के लिए तो बड़ी खास है। खैर देखा जाए तो दिल्ली सरकार के लिए बड़ी खास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम है दिल्ली के, उनको सरेंडर करना है और उसके लिए जो है उन्होंने प्ली लगाई थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई, कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो जिसके कारण अभी उनकी जो सरेंडर की तारीख है वो नहीं टली है, उनको 2 तारीख को सरेंडर करना ही पड़ेगा। अब उसमें जो है एक छोटा सा पॉइंट जो यहां पर एक डिस्कशन के लिए बन रहा है वो ये बन रहा है कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो अपने सीएम पोस्ट से रिजाइन क्यों नहीं करते हैं। वैसे इसके बारे में जब क्वेश्चन किया जाता है तो ये बात आती है कि संविधान क्या कहता है, तो संविधान इस बारे में साइलेंट है, क्योंकि जब संविधान बनाया गया होगा तब किसी ने ये बात सोची नहीं होगी कि इस तरह की भी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पर कि कोई अपने मॉरल ग्राउंड्स पे मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज कर जाए और वो अपनी पोस्ट को छोड़ने की जिद पकड़ ले। एक तरह से तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि जांच चलना और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखा जाए तो पार्टी बहुत बड़ी होती है तो वो किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एलिजिबल लोग नहीं होंगे। पर इसी बात के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक क्लैश आता है कि क्या ये बात सही है कि उन्होंने रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इसका एक छोटा सा पॉइंट जो कहें कि उनकी नीयत पे शक करना जैसा हो जाता है, क्योंकि जब आप सीएम होते हैं या फिर आप कहें तो एक मंत्री पद पे हैं और उसके चलते आपके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लग जाती है और आप लाइक जो एग्जांपल अभी हमारे सामने है हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल जी के जो लॉयर हैं मनु सिंघवी जी जो हैं, अब आप सोचिए जब तक केजरीवाल जी सीएम हैं दिल्ली के तो उनकी जो भी जो कानूनी सहायता है यानी उनके जो वकील है उनका जो खर्चा है वो आखिर कौन उठाएगा, क्योंकि वो पोस्ट पे हैं तो वो किसके हिस्से में आएगा, वो आएगा दिल्ली के बजट के, दिल्ली के पैसे, दिल्ली के सरकार के खजाने से ही वो पैसा जाएगा, चाहे वो फीस जो है वो 10 लाख 20 लाख जितनी भी हो। भाई यहाँ भी वकील तो जितना बड़ा होता है उतनी फीस ज्यादा होती है। तो पोस्ट पे रहने का ये एक डिस्कशन का पॉइंट रहा कि क्यों जो है वो रिजाइन नहीं कर रहे, कि शायद हो सकता है कि इससे उनको एक आर्थिक सहायता मिल रही हो या और भी को बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या हो सकता है भाई उनका पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से ये एक पॉइंट बड़ा ही रेलेवेंट लगा कि शायद ये जो आर्थिक बोझ है ये दिल्ली सरकार के खजाने पे जाएगा। अभी दिल्ली सरकार का पैसा किसका है, ये है आम लोगों का पैसा, दिल्ली की आम जनता का टैक्स मनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें एड ऑन करती है और दिल्ली के लोग भी इसमें पे करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से दिल्ली सरकार के पैसे जो दिल्ली के लोगों का टैक्स पे का पैसा है वो किसी की कानूनी जो है वो सहायता के लिए उसके लॉयर्स की फीस देना या किसी और तरीके से, क्या ये सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं है या ये उनका राइट बनता है? आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है या फिर एज अ सीएम ये उनका राइट है और किसी भी प्रदेश के सीएम को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने स्टेट या जिस प्रदेश के भी वो सीएम है उनके लोगों के टैक्स पेयर पैसा, जो टैक्स का पैसा है वो पैसा उनको मनमाने ढंग से प्रयोग करने दिया जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी आगे जब वो 2 तारीख को सरेंडर करेंगे उसके बाद उनके केस में क्या कुछ होता है वो देखने लायक रहेगा। बाकी ये भी बताइए क्या उनको अपनी सीएम पोस्ट से रिजाइन देकर अपनी ही किसी पार्टी, भाई बहुमत तो है ही उनके पास, उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, अभी तो पूर्ण बहुमत है तो वो किसी भी अच्छे चेहरे को सीएम बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या उन्हीं को इस पोस्ट पे बने रहना चाहिए, ये बताइए कि आपके क्या विचार हैं।